सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बजी पैरट्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके बर्ड्स दोनों बहुत अच्छे से होंगे। अहमदाबाद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर एक गांव है नवसारी के थोड़ा सा आगे चिकली, वहाँ पर मैं आया हूँ सुहेल भाई के फार्म पे। सुहेल भाई खैर यहाँ पे नहीं रहते, वो यूके में रहते हैं लंदन में, लेकिन उनके भाई है, उनके दोस्त है, उनके फादर है, वो सब लोग मिलके पूरा फार्म संभालते। फार्म का नाम है ममानियत फार्म और इनका ये फैमिली बिजनेस है सिंस 2004 से। पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, अलीपुर खंबानिया स्ट्रीट चिकली नवसारी के पास, और यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ऊपर वाला नंबर बंद है, नीचे वाला नंबर मूसा भाई का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन करके बात कर सकते हो एनी रिक्वायरमेंट के लिए। पूरा फार्म दिखाऊंगा आपको और इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला मैं एग्जॉटिक बर्ड्स दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको मैं लव बर्ड दिखाऊंगा, जावा दिखाऊंगा, फिंचेस दिखाऊंगा, कॉकटेल दिखाऊंगा, डव दिखाऊंगा, बजीज दिखाऊंगा। ये छह चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। और सुहेल भाई जो यूके में रहते हैं, उनके फादर यहाँ पर संभालते हैं, अभी वो है नहीं, ये वीडियो में शायद घर के अंदर होंगे, मुलाकात हुई मेरी उनसे, व्लॉग पे आप देख सकते हो उनको। और ये उनके भाई है अबू तला भाई, अस्सलाम वालेकुम। और ये उनके दोस्त है मूसा भाई, मूसा भाई और अबू तला भाई मिलके संभालते हैं पूरा फार्म, और बहुत अच्छे से संभालते हैं फार्म। आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना बड़ा फार्म है और क्या क्या रखा हुआ है इन्होंने, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। देर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत चीज़ें दिखानी है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा इंटरव्यू में टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो ये बोलने वाले थे वो यहाँ पे लिखी हुई है, कब कब इन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है और क्या क्या है वो भी देख सकते हो यहाँ पर। सब चीज़ें इनके पास जो अवेलेबल होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है मोस्टली। चलिए फटाफट चलते हैं फार्म के अंदर और पूरा फार्म कवर करके आपको दिखाते हैं। दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ये एग्जॉटिक बर्ड्स के ऊपर होने वाला है। दूसरा जो वीडियो आएगा वो फैंसी चिकन, देसी मुर्गी, गोट और गाय और भैंस का जो दूध वगैरह निकालते हैं, उसका जो उत्पादन करते हैं, तो उसके ऊपर होने वाला है। वो भी एक मज़ेदार एपिसोड बनेगा, वो कल आएगा। तो चलिए आज एग्जॉटिक बर्ड का एपिसोड शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो पसंद आता है लास्ट में आपको लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं, आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे, फौरन अंदर चलते हैं और दिखा देते हैं। अंदर घुसते ही माशाल्लाह क्या नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त, कितनी बड़ी एवियरी आप देख ही सकते हो दोस्तों। ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ, उसके बाद एक एक चीज़ मैं डिटेल में कवर करूँगा। नॉन रिंग लव बर्ड्स है यहाँ पर, जावा की कॉलोनी है यहाँ पर, और यहाँ पर रिंग म्यूटेशन के लव बर्ड्स है, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जंबो फिंचेस है, यहाँ पे कॉकर टेल्स है, और उसके पीछे वहाँ पर जो है रिंग म्यूटेशन के लव बर्ड्स, और इसके पीछे यहाँ पर कॉकटेल्स और भी है, वहाँ जाएंगे आपको वो भी दिखाएंगे। और स्टार फार्म की देखिए अपनी दवा यहाँ पर है, और ये सब हैंड फीडिंग चिक्स है, हैंड फीडिंग चिक्स इन्होंने साइड में रखा हुआ है, और ये ज़बरदस्त चीज़ है, सोहेल भाई ने इंग्लैंड से भेजी हुई है। विंटर में ये हीटर का काम करेगा और गर्मी के मौसम में एसी का काम करेगा, बहुत शानदार चीज़ है। और यहाँ पे जो भी दिखाऊंगा दोस्तों वो सेल के लिए अवेलेबल रहेगा, बहुत सारी चीज़ें प्राइस के साथ में बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट में आपको मैं मूसा भाई का नंबर भी दूंगा। चलिए अब चलते हैं जो है नॉन रिंग म्यूटेशन की कॉलोनी के अंदर। एंट्री कर ली हमने कॉलोनी के अंदर, और आते ही देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है, ऐसा नज़ारा जल्दी देखने नहीं मिलता दोस्तों। इतनी बड़ी कॉलोनी है, ज़बरदस्त, और मेंटेन उसको कितने अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे एक अलग से स्पेस बनाया हुआ है दाना पानी के लिए, मिक्स सीड यहाँ पर देखिए पानी के लिए यहाँ पर इंतज़ाम है, कटल फिश बोन और ग्रिट वगैरह वहाँ पर, और बैठने के लिए स्पेस देखिए कितना मस्त दिया हुआ है। एक यूनिक स्टाइल में इन्होंने मतलब बनाया हुआ है, कुछ जो फॉरेन के जो होते हैं जैसे वैसे सेम टू सेम सेटअप बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली सोहेल भाई इंग्लैंड में रहते हैं, तो एक आध दो सेटअप उन्होंने देखे होंगे वहाँ पर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फॉरेन स्टाइल में इसको बनाया हुआ है। जाली वगैरह भी बहुत हैवी जाली यूज़ की हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, अफ्रीकन ग्रे तक नहीं काट सकता, इतनी मज़बूत जाली है। और अभी किसकी ब्रीडिंग आपको देखने नहीं मिलेगी, अभी ऑफ सीज़न चल रहा था, मटकी अभी लगाएंगे, अभी फ़िलहाल ब्रीडिंग में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैंने कॉलोनी बता दी, शानदार कॉलोनी नॉन रिंग लव बर्ड्स की। गोल्डन चेरी दिख रहे हैं अंदर मुझे, रोज़ी दिख रहे हैं, माऊ दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के चार पांच म्यूटेशन को मिक्स रखा हुआ है इन्होंने। इन्होंने जावा की कॉलोनी में एंट्री मारी है, और यहाँ पर अंदर आते ही सिर्फ जावा का साइज़ देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त है, मिक्स में रखा हुआ है इन्होंने। इन्होंने फॉन जो ग्रे टाइप में आती है वो, और एल्बिनो वगैरह ये सब को इन्होंने मिक्स में रखा हुआ है, और मिक्स ब्रीड कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चे भी मिक्स में निकलेंगे तो उतना मसला नहीं आएगा। और मिक्स रखने का फ़ायदा ये है कि रेट में भी ज़्यादा हेर फेर नहीं होता, पर्टिकुलर यही चीज़ का रेट ही है, वो चीज़ का रेट ही है,
तो मिक्स रखने का फ़ायदे तो होते हैं दोस्तों, मिक्स ब्रीड निकलती है, ब्लड लाइन का कभी प्रॉब्लम नहीं आता। जावा कितने अच्छे से फ्लाई कर रही है देख सकते हो आप, माशाल्लाह एकदम बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी तरह से फ्लाई कर रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देखिए। ये नज़ारे दोस्तों जल्दी देखने नहीं मिलते, ये नज़ारे आपको अहमदाबाद वजीज पर देखने मिल रहे हैं खूबसूरती के साथ में। अब दोस्तों अफ्रीकन लॉबर्ड्स, रिंग म्यूटेशन के जो लॉबर्ड्स हैं उसकी कॉलोनी के अंदर हम जा रहे हैं और यहाँ पर भी नॉन रिंग म्यूटेशन की तरह शानदार नज़ारा मिक्स ब्रीड देखने मिलेगी। अगर अपना पैर आपस में सेम ब्रीड ने आपस में पैर लगाया हो तो ठीक है, अगर अलग अलग पैर लगाया हुआ है जैसे कि ग्रीन फिशर ने समझिए गोल्डन फिशर के साथ पैर लगाया है या तो ब्लू मास्क के साथ पैर लगाया है तो कुछ अच्छा ही आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। ऐसी यूनिक कलाकारी करने पर कुछ ना कुछ अखा तरह करने पर कुछ अच्छी चीज़ निकलती है ऑब्वियस। और यहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ एक अलिफ कलर में भी है, वो भी शानदार लग रहा है और मिक्स ब्रीड है तो कोई मसला ही नहीं है, माऊ भी है, मास्क वैरायटी भी है, फिशर वैरायटी भी है साथ में, तो दिक्कत नहीं है दोस्तों, बढ़िया लग रहे हैं वैसे सारे के सारे। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो ऑब्वियसली इनकी भी ब्रीडिंग आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा, सीज़न में एक बार दोबारा आऊँगा डेढ़ दो महीने बाद इंशाल्लाह, दोबारा चक्कर रहेगा यहाँ पे और प्रॉपर ब्रीडिंग प्रोग्रेस के साथ आपको मैं वीडियो दिखाऊँगा, वो वीडियो बहुत बड़ी होगी, हम 3-4 पार्ट में रिलीज़ करेंगे, हर कॉलोनी का हम अलग से एपिसोड बनाएंगे उसके अंदर। और ये देखिए एक बेहतरीन नज़ारा आपकी आँखों के सामने, ऐसा नज़ारा दोस्तों ज़ू के अंदर भी जल्दी देखने नहीं मिलता। और सफाई तो क्या सफाई रखी है इन्होंने, सफाई का लाजवाब सफाई रखी है इन्होंने, और मिक्स सीड रखा हुआ है, ग्रिट रखा हुआ है, पानी का कितना बढ़िया इंतज़ाम है, बहुत अच्छा लगा बहुत दोस्तों 4 नंबर कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं, ज़ेब्रा फिंचेस की ये कॉलोनी है। मुसा भाई से एक बात जानना चाहूँगा, ये कॉलोनी इसका साइज़ क्या रहे? ये 11 फुट लंबा है, 11 फुट लंबा है, 7-8 फुट चौड़ा है, 7-8 फुट चौड़ा है, ठीक है, और हाइट भी ज़्यादा है, हाइट भी 12-15 फुट के आसपास है, कोई मसला नहीं है। ज़ेब्रा फिंच की कॉलोनी में आ गए, सारी की सारी ज़ेब्रा फिंचेस मिलेगी आपको यहाँ पर, और सेम वही चीज़ की इन्होंने मिक्स ब्रीड को रखा हुआ है, फ़ायदा ज़रूर होगा इनको। और ज़ेब्रा फिंच के लिए खास इंतज़ाम देखिए, खास इंतज़ाम ज़ेब्रा फिंचेस के लिए, ऐसी पतली पतली उसको बहुत पसंद है, पतली जो लकड़ी होती है उस पर बैठती है फिंच, उसको एंजॉय करती है, मोटी लकड़ी से ज़्यादा उसको पतली जो झाड़ की लकड़ी होती है फिंच को बहुत पसंद है। तो फिंच टाइप बर्ड दोस्तों बहुत नाजुक बर्ड होता है तो उसको बहुत अच्छे से रखना चाहिए और अच्छी ब्रीड भी करके देगा, क्लच का टाइम भी बहुत कम होता है, 35 से 40 दिन में आपको एक क्लच मिल ही जाता है इसका। कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए, यहाँ भी लाइन लगा के सब बैठे हुए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मुसा भाई पैर कितने होंगे? ये पैर शायद 87-88 के आसपास पैर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, 87-88 पैर की कॉलोनी है यहाँ पर, 80-90 पैर है कोई मसला ही नहीं है, कुछ कुछ नीचे भी वहाँ पे बैठे हुए अंदर भी खा रहे थे मिक्स सीड। दोस्तों 5 नंबर कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं और कॉलोनी के अंदर जाने के लिए मुझे कॉकटेल की कॉलोनी के अंदर पहले आना पड़ा और देखिए ये कॉकटेल आके मेरे ऊपर बैठ गया। कॉकटेल की कॉलोनी बाद में कवर करूँगा क्योंकि ये 6 नंबर कॉलोनी है, पहले जाएंगे हम 5 नंबर कॉलोनी के अंदर और ये था जो वो मेरे ऊपर आकर बैठा था। चलिए लवबर्ड की कॉलोनी के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ और दिखाता हूँ दोबारा आपको लवबर्ड, यहाँ पर कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने मिल सकती है दोस्तों। ये देखिए शानदार नज़ारा ब्रीडिंग सेटअप के साथ में, जब दोस्तों वहाँ की कॉलोनियों में इस तरह के ब्रीडिंग बॉक्सेस लगेंगे तो सोचिए आप क्या नज़ारा होगा। ये देखिए अभी कितना शानदार लुक आ रहा है, देखिए माशाल्लाह लुक आ रहा है, एक नंबर, किसी फॉरेन टाइप का सेटअप से कम नहीं है दोस्तों, सेम टू सेम। और वेंटिलेशन के बारे में तो पूछिए ही मत, जितना चाहिए उतना वेंटिलेशन है, जहाँ से चाहिए वहाँ से वेंटिलेशन है, चारों तरफ से ओपन है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से केज इनको ढक के रखना पड़ता होगा, चारों तरफ से ओपन ही है तो बढ़िया वेंटिलेशन मिल रहा है इनको। और बर्ड्स भी कितने प्यार से बैठे हुए, देखिए अपना अपना जोड़ा लगा के और जहाँ पे बैठना है अपने अपने बॉक्स के ऊपर वहीं बैठे हुए हैं जिनकी ब्रीडिंग चालू है। और एक आध दो बॉक्स हम ढक के देख लेंगे अंदर क्या कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस अगर होगी तो, कुछ अगर होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। नीचे वाला बॉक्स चेक कर लेते हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही रखा है। अच्छा 4-5 दिन पहले ही बॉक्स लगाए हुए हैं, अब सब में रखना चालू कर दिया है, 4-5 दिन पहले ही बॉक्स लगाए तो उतना अभी नहीं होगा रिजल्ट, लेकिन हाँ नेक्स्ट बार जब हम 1-1.5 महीने बाद आएंगे 110% आपको यहाँ पर रिजल्ट यही चैनल पर देखने मिलेगा और गारंटी के साथ देखने मिलेगा दोस्तों। माशाल्लाह बढ़िया लुक आया, कितने प्यारे लग रहे हैं। एल्बिनो भी देखिए क्या खूबसूरत है, एल्बिनो मज़ा आ गया, एल्बिनो काफ़ी है।
दोस्तों 6 नंबर कॉलोनी कॉकटेल की कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं हम, और कॉकटेल की कॉलोनी के अंदर जाते ही जैसे आपको पहले दिखाया था वो एक मेरे ऊपर आके बैठ गया था, वो यही है। अब ये फिर से आके बैठेगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों वाइट फेस में कितने शानदार कॉकटेल है, पर्ल में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पर्ल खासकर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि इसकी खूबसूरती का आपको एक सटीक अंदाज़ा आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह क्या बेहतरीन कॉकटेल्स है। देखिए ये फिर से आके बैठ गया हाथ पे, ये फिर से बैठ गया। बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत शानदार है। यही होता है दोस्तों बर्ड रखने का फ़ायदा, आपके ऊपर आके बैठेंगे, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहोगे आप। ये एल्बिनो भी देखिए खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह क्या बेहतरीन फ्लाइट की इसने, मज़ा ही आ गया, बहुत शानदार बहुत शानदार। देखिए दोस्तों बारिश बहुत है बाहर, आप देख ही सकते हो बारिश कंटिन्यू गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं अहमदाबाद से तकरीबन 250-250 किलोमीटर दूर आके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। लाइक करके जाइए, वीडियो पसंद आता है तो पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके देखिए। चलिए एक और कॉलोनी में जा रहा हूँ, मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों हम अभी उस साइड थे, उस साइड से हम दीवार के इस साइड आ चुके हैं, कॉकटेल की कॉलोनी आपको वहाँ दिख रही होगी। यहाँ पर एक और कॉलोनी है कॉकटेल की, और वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लगभग उससे 2 गुना बड़ी है। और यहाँ पर तो कॉकटेल्स देखिए लाजवाब, कितने सारे कॉकटेल्स हैं यहाँ पर। वहाँ पर 4-5 पेयर ही थे देखिए वो बैठे हुए हैं, जिनको मैंने मतलब इसके पहले लिया था शूट इन जिनका। और अब यहाँ पर देखिए लुटिनो में कॉकटेल्स हैं, फॉन है, चारकोल है, बटरफ्लाई में दिख रहा है, 1-2 पर्ल में भी है। बढ़िया लग रहे, कितने बढ़िया लग रहे माशाल्लाह, आप देख सकते हो इतने सारे कॉकटेल्स ऐसे फ्लाई कर रहे, कितना बढ़िया माहौल है यहाँ पर। ओहो, आई एम वेरी लकी, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आई एम वेरी लकी कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और इन बर्ड्स का मैंने शूट लिया। बारिश में आना, भीग कर आना, इतने दूर से आना, मेरा बेकार नहीं गया दोस्तों। यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुझे देखने मिली, जिससे मेरा आज का दिन सफल हो गया एटलीस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपका दिन भी सफल जाएगा, आप भी आज बहुत खुश रहोगे क्योंकि आपने एक बहुत खूबसूरत वीडियो देखा है। अभी आप एक बहुत खूबसूरत वीडियो देख रहे हो दोस्तों, ऐसे सुंदर सुंदर बर्ड्स दोस्तों जल्दी जू में भी देखने नहीं मिलते, और वो भी इतने साथ। लेकिन मुझे एक ही चीज़ का अफसोस रहेगा, अगर इनकी ब्रीडिंग मुझे देखने मिल जाती तो और भी मज़ा आता, लेकिन उसको मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगा दोस्तों। ब्रीडिंग देखने के लिए मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर, दोबारा आपसे मैं इनकी ब्रीडिंग ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों अभी आपको 2 सेटअप कवर कराए यहाँ पे और उसके बाजू में। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक और कॉलोनी बनने वाली है, सेम टू सेम वैसी ब्रीडिंग बॉक्सेस वगैरह, ईंटें वगैरह सब, मिट्टी सीमेंट सब लाके रखा हुआ है वहाँ पे। काम भी स्टार्ट हो जाएगा, बारिश जैसे ही ख़त्म होती है काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी अपने को एक शानदार कॉलोनी देखने मिलेगी। अब आपको मैं दिखाने ले जा रहा हूँ बजीज, शो बजीज दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगी। तो बजीज इनके पास थोड़ी ही है, लेकिन है बहुत शानदार शो बजीज आप देख रहे हो, और इनकी क्वालिटी देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, एकदम ज़बरदस्त साइज़ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ 3-4 पैर इन्होंने रखे हुए, और इसके अलावा यहाँ पर 1-2 पैर है। देखिए माशाल्लाह फ्लाई करके गया, क्या बेहतरीन फ्लाइट ली उसने, देखिए बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। बजीज को देख के दोस्तों मेरा दिल खुश हो ही जाता है, क्योंकि यू नो अपन अहमदाबाद बजी पैरट्स वाले हैं। तो देखिए बजीज आपको मैंने दिखा दिए, तो हम डव की कॉलोनी में जा रहे हैं, आखिरी एग्जॉटिक चीज़ दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो सेल के लिए मैं आपको वो बताऊँगा। डव की कॉलोनी में अंदर जा रहे हैं, माशाल्लाह यहाँ पर देखिए नेट वेट लगा के रखी हुई है ताकि फ्लाई करे तो एकदम से बाहर ना आइए, मच्छर टाइप मच्छरदानी टाइप ये है नेट। और डव की कॉलोनी के अंदर हम आए हैं, डव देखिए कितने प्यार से बैठे हैं सारे के सारे, कितने शानदार लग रहे हैं सारे के सारे दोस्तों, डव है। और ब्रीडिंग बास्केट देखिए क्या खूबसूरत दी हुई है इनको, ब्रीडिंग प्रोग्रेस ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि ओपन बास्केट है तो उतना मसला नहीं है। अच्छा अभी 2 दिन से ही दिया हुआ है आपने, ठीक है 2 दिन से ही इनको दिया हुआ है ब्रीडिंग, जो भी है ये बास्केट बोल लीजिए ये या फिर ये बॉक्स बोल लीजिए, 2 दिन पहले ही दिया है तो अभी ब्रीडिंग देखने नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ 1.5 महीने बाद अपनी जो विज़िट होने वाली है यहाँ पर, वो आपके काम की है, वो आपको मज़ा भी देगी और आपका दिल खुश भी कर देगी। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने डव दिखा दिए, प्यारे प्यारे डव है, डायमंड डव है, और इसके अलावा दूसरे भी डव है, ऑस्ट्रेलियन डव है यहाँ पर। तो कितने प्यारे, देखिए ये चिक्स है, देखिए डव के ये तीनों चिक्स है, और ये डव देखिए कितना खूबसूरत है, मेरे पास में आके बैठा, अभी मेरे सर पे एक पंजा मारा उसके बाद यहाँ पे आके बैठ गया।
प्यारा सा लग रहा है दोस्तों, प्यारा सा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। ये चिक्स देखिए कितने छोटे छोटे चिक्स है, ये देखिए माशाल्लाह डव के चिक्स कितने छोटे, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं। ये देखिए कितना क्यूट है, फ्लाई करके वहाँ चला गया डव। वैसे बेखौफ है, मुझे लगा नहीं था कि इतने बेखौफ रहेंगे ये। अब दोस्तों आपको मैं वो सब बताने वाला हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए आप मूसा भाई को कॉन्टैक्ट करने वाले हो, वो है सेल के लिए जो चीज़ें हैं वो। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायमंड डव है ये, डायमंड डव ये सेल के लिए अवेलेबल है। मेल फीमेल निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर डायमंड डव आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सेल के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। इसका प्राइस क्या रहेगा मूसा भाई? वो 4,000 से 3,500 तक रहता है, 3,500 से 4,000 के आसपास रहेगा। अडल्ट पेयर का रहेगा ये? हाँ, वो मतलब नहीं, सेमी अडल्ट रहता है, सेमी अडल्ट। इसमें हमने बीच में सेल ही नहीं किया ना, तो सब अडल्ट जैसे ही हो गए। अच्छा, सेल नहीं किया आपने, सब अडल्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3,500-4,000 के आसपास ना, तो फिर इधर सब खाली हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ओके, उसको वीडियो ही नहीं डाला था हमने, ठीक है, ब्रीडिंग बंद हो गया इसलिए इन्होंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही, और ये रहते रहते अडल्ट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, ये अवेलेबल है सेल के लिए, इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेट थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चैनल देख के आ रहे हो तो नाम बताइए, अहमदाबाद वजीज चैनल मुजीब भाई का देख के आ रहे, रेट में आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, नीचे की साइड आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जावा बर्ड्स है, जावा ये बिल्कुल सेल के लिए अवेलेबल है, इसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे जावा है, एक दो पेयर नहीं है, तकरीबन 20-30 पेयर से भी ज़्यादा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ ऊपर भी है। तो जावा बिल्कुल सेल के लिए अवेलेबल है, देख सकते हो आप जावा, माशाल्लाह सब लगभग लगभग अडल्ट होने ही वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, एक आध डेढ़ महीने बाद आप इसकी ब्रीडिंग ले पाओगे। और सबकी सब माशाल्लाह अच्छे साइज़ में, सबका साइज़ काफ़ी अच्छा है, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर। कोई मैं इसमें इफ़ेक्ट नहीं डालता हूँ, कोई मैं इसमें आपको बढ़ा कर या कम करके नहीं बोलता हूँ, तारीफ़ में कभी बढ़ा के या तारीफ़ कभी कम करके नहीं बोलता हूँ, जो मुझे फैक्ट दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जावा वाकई में एक नंबर है, बहुत खूबसूरत है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना मैं खुद यहाँ से 3-4 पैर ले लेता, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं खुद लेने को मतलब रेडी हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन चीज़ मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। इनका प्राइस क्या रहेगा वैसे? 1200-1400 से स्टार्ट होगा और 2,000-2,500 तक जाता है ब्लैक का। हाँ, 1200 ब्लैक का, 1200 बिल्कुल वही चलता है, अल्विनो में जाएंगे तो थोड़ा और ऊपर जाता है, 2,000-2,500 तक, बिल्कुल बहुत नॉमिनल प्राइस है। रेड फोन, रेड आइस और मतलब सिल्वर भी आते हैं, लेकिन फार्म की चीज़ है, नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब बड़ी हुई है, तो बहुत अच्छे से रहेगी आपके वहाँ पे, बहुत अच्छी ब्रीड करेगी आपके वहाँ पे, क्योंकि ये हट्टी कट्टी चीज़ है, नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब बड़ी हुई है ये, तो बढ़िया एकदम। अब यहाँ पर कुछ लवबर्ड के कुछ पीस है जो सेल के लिए अवेलेबल है फ़िलहाल, क्योंकि सीज़न ऑफ होने के बाद इन्होंने बॉक्सेस वगैरह हटा दिए थे। अभी ये कुछ पीस है जो सेल के लिए अवेलेबल है, इसका पर्टिकुलर आप रेट हर चीज़ का अलग अलग होता है, लव बर्ड में थोड़ा सा भी म्यूटेशन का हल्का सा भी फ़र्क होता है तो रेट बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मूसा भाई से। अच्छा दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फार्म बहुत बढ़िया लगा होगा, और फार्म के जो केयर टेकर थे उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने फार्म को रखा हुआ, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और विज़िट कराई, इतना खूबसूरत फार्म दिखाया। यकीनन दोस्तों, मैं वाकई में बहुत लकी हूँ जो ऐसा फार्म मुझे विज़िट करने का और आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई चीज़ अगर आप पसंद आती है जो सेल के लिए मैंने बताई है तो कॉल कर सकते हो मूसा भाई को, मूसा भाई ही पूरा टेक केयर करते हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अब सेकेंड पार्ट में इसके, जो मैं आपको गोट मुर्गे वगैरह दिखाऊँगा, वो भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।